लव जिहाद मुक्त भारत बनाने के लिए बजरंग दल ने आगरा में युवाओं की भर्ती शुरू कर दी है। बजरंग दल में भर्ती को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। युवा लाइनों में लगकर बजरंग दल की भर्ती में शामिल हो रहे थे। भर्ती होने वाले युवाओं को तलवार से लेकर हथियारों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं बजरंग दल घर घर जाकर लोगों को बजरंग दल में भर्ती होने को लेकर जागरूक कर रहा है। 19 नवंबर से बजरंग दल का भर्ती अभियान शुरू हुआ था, जिसमें अभी तक ब्रज प्रांत में 2,00,000 नए कार्यकर्ताओं का पंजीकरण कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा चुका है। वहीं वे आगरा महानगर में 29 स्थानों पर बजरंग दल भर्ती में अभियान प्रारंभ किया गया। भर्ती अभियान प्रमुख चौराहों पर कैंप लगाकर आयोजित किया जा रहा है। आगामी 6 दिसंबर शौर्य दिवस पर जिला व तहसील स्तर पर मशाल जुलूस दीपदान व विजय उत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे। विशेष रूप से आगरा में शहीद स्मारक पर दीपदान का कार्यक्रम 6:30 बजे से आयोजित होगा। बजरंग दल का ये भर्ती अभियान 19 तारीख तक चलेगा और इस अभियान में जो भारत में जगह जगह जो समस्याएं निकल के आ रही है लव जिहाद की, जो जिहादियों ने इस तरह से हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार करके उनको वैश्या मनोवृत्ति का रूप देते हैं, उनको ले जाकर बेच देते हैं, ऐसे किससे बार बार सामने आ रहे हैं प्रदेश के अंदर और ब्रज प्रांत के अंदर। ये बजरंग दल भर्ती अभियान के साथ साथ लव जिहाद के लिए एक बजरंग दल एक हिंदू टीम जगह जगह नगरों में ये कैंप लगाकर तैयार कर रही है और ये अभियान 19 तारीख तक एक गति पकड़ लेगा। और आगरा आज के दिन केवल 1,000 लोग हमने जोड़े हैं और संकल्प लिया है, 700 लोग हो चुके हैं, 300 शाम तक हो जाएंगे। हाँ, मैं सुबह आ रहा था यहाँ चौराहे की तरफ तो मैंने देखा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में नई युवा पीढ़ियों की भर्ती हो रही है। तो मैंने देखा, मैं एक युवा हूँ, अरुण कुमार मेरा नाम है। तो मैं सुबह ही मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में भर्ती हुआ क्योंकि मैं चाहता हूँ भारत मुक्त हो। लव जिहाद को लेके कई ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। अगर अभी अभी हम लोग इस चीज का रोक नहीं करेंगे, अगर हम लोग युवा पीढ़ी इस समस्या को हल करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आगे जाके इतनी समस्या बढ़ जाएंगे कि शायद हम लोग यहाँ जी भी नहीं पाए। और जो लोग लव जिहाद का ऐसा टारगेट ऐसा सिस्टम लेके चल रहे हैं और जो बहन बेटियों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा उन्होंने माहौल बना रखा है, जैसे कि अभी भी हमें भी डर लगता है कि कल के लिए यहाँ भी वही माहौल पैदा ना हो, जिसके लिए हम एक अपना नया मजबूत संगठन पैदा करेंगे और जिसके लिए कि हम जोड़ेंगे और अपने 4 भाइयों को और जोड़ेंगे, जिससे कि भर्ती हो रही है बजरंग दल की। तो आजकल बहुत बहन बेटियों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, उसकी नवजात के लिए इस बारे मैंने बजरंग दल ज्वाइन किया है और हम जैसे भाइयों ने एक संकल्प बनाया है कि बहन बेटियों की रक्षा करें। ट्रेनिंग ली जाएगी, बजरंग दल हमें ट्रेनिंग देगा, थल से भी हर चीज से, हथियारों से हर चीज से देगा हमें और हम इसका ही संकल्प लेंगे बहन बेटियों के लिए।